बेटा जी, हम जो चीज़ जो टॉपिक देखने चाह रहे हैं वो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रिएक्शंस ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स विद आपके पास ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सर उधर एक और क्लास शुरू हुई हुई है 1:30 वाली कहाँ पे? सर, इसी टीम्स में सर एक और क्लास शुरू हुई है। 1:30 वाली क्लास, वो कौन सी है? अच्छा एक मिनट दें मुझे, ये कोई फोन आ रहा है, देखो कौन है। सर उसमें मैं और इब्राहिम थे और लड़के आ रहे थे, लीव कर रहे थे, समझ नहीं आ रही थी। नहीं, 1:30 पे कौन सी क्लास आपकी शुरू हो सकती है? आपकी 12 PM पे आ सर उधर, जाती। जी जी सर, उधर लिखा होता अकर्स एवरी सैटरडे 1:30, मगर वो शुरू ही हुई थी। नहीं, सैटरडे वाली कैसे शुरू हो गई थी? आज सैटरडे है, वो टीम में कोई मसला आता है, आप ऐसे आज करें मंडे है, मंडे लीव कर दो, यहाँ पे आ जाओ सारे। डिस्कनेक्ट करके उसे दोबारा ज्वाइन कर लो, ये तो कोई मसला ही नहीं है। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस बनती नहीं है मेरा पुत्र, फिर तो सीधा सीधा काम है। ठीक है, जो भी हैं वहाँ पे उन्हें बताएं कि लीव करके ना यहाँ पर आ जाएं। तो यहाँ पर आज हमने बेटा ये चीज़ स्टार्ट करनी है कि रिएक्शन ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर बेटा जी हम देख लेते हैं और हम बात करेंगे रिएक्शंस की विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से मेरा बेटा रिएक्ट करते हैं। पहली बात बेटा याद रखें कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स प्रोड्यूस नॉर्मल ऑक्साइड्स जिसे कहते हैं, ये बेटा नॉर्मल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं जब वो रिएक्ट करें या आप उसे हीट करें किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन, कि जब आप इसे ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो तब आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। कैसे? मसलन अब आप बेटा जी सेकेंड ए ग्रुप का कोई एलिमेंट ले रहे हैं और उसका रिएक्शन करवाना शुरू कर दें, ठीक है, तो आपके पास रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पर क्या चीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी? रिजल्ट के तौर पर ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। यानी आपने कोई भी लिया सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, उसे आपने हीट किया, मसलन अगर आप ले लें बेटा कैल्शियम और इसे आप एयर की प्रेजेंस में बर्न करें, ठीक है, तो बेटा जी आपने इसे क्या करना है? हीट करना है, हीटिंग के रिजल्ट के तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं 2:2 जो है वो अटैच कर देता हूँ। हमारी बुक पर एक बात और बताई गई है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे आप कैल्शियम कार्बोनेट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ कि अदर मेथड टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बनाने का एक दूसरा मेथड भी है। उसमें क्या करते हैं, हम लेते हैं CaCO3, जिसे बेटा कहा जाता है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन को भी अगर आप हीट करें और इसकी हीटिंग की जाए अबव 2000 डिग्री सेल्सियस,
तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल से ये भी कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, यानी सेकेंड ग्रुप के ऑक्साइड्स में अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड्स को बनाने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट ऑक्सीजन से बर्न करके आप मेटल को उसका ऑक्साइड्स बना दें, दूसरा ये है कि आप उसका कार्बोनेट लें और उसके कार्बोनेट को हीट करके उसका ऑक्साइड वहाँ पर क्या कर दें मेरा बेटा, प्रोड्यूस कर दें। अब हमारी बुक पर ना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मेंशन की गई हैं, अगर आप अब बात करें ऑक्साइड के पास इसकी फॉर्मेशन में मैं बातें अगर और थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं, आप मैग्नीशियम मेटल लें ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। बैलेंसिंग के लिए मैं यहाँ पर 2-2 लगा देता हूँ। मैग्नीशियम के बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्शियम भी है। आप स्ट्रॉन्शियम मेटल लेंगे ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। आप बेरियम मेटल लेंगे ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो आपके पास बेरियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। बेरियम के बारे में एक बात और याद रखनी होती है कि बेरियम नॉर्मल के अलावा पर ऑक्साइड भी प्रोड्यूस कर देता है, उसकी बात हम ज़रा थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा जिक्र किया जाता है बेटा जी प्रॉपर्टीज़ का ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सेकेंड ए एलिमेंट्स। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज़ में बेटा बातें की जाती हैं, इसमें सबसे पहली जो बात आपके पास की जाती है वो ये कहा जाता है कि ये बेटा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। पहली चीज़ क्या है कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और साथ ही ये बताया जाता है कि ये हाईली स्टेबल हैं, यानी आप ये कह सकते हैं एक्सट्रीमली स्टेबल। तो एक्सट्रीमली आपके पास ये स्टेबल होते हैं। दो बातें याद रखनी है ऑक्साइड्स के बारे में, पहली, फिर अगर आप बात करें ब्रिलियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये तो ये दोनों वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी आप ब्रिलियम ऑक्साइड पे आ जाएं, आप आ जाएं मैग्नीशियम ऑक्साइड से, आप इन दोनों को वाटर में ड्रॉप करने की कोशिश करें तो इनकी कोई अफिनिटी नहीं है, नॉट सॉल्युबल, कि ये वाटर में किसी तरह की कोई सॉल्युबिलिटी शो नहीं करते। सॉल्युबिलिटी क्यों नहीं शो करते, क्योंकि इनका जो लैटिस है वो स्ट्रॉन्ग होता है। यानी इसके लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हाइड्रेशन से वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाता, इस वजह से ये आपके पास जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अलबत्ता बेरिलियम मैग्नीशियम के बाद आ जाएं तो ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। मसलन आप कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, इसे वाटर में डिलॉक करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। कैल्शियम के बाद आप स्ट्रॉन्शियम पे आ जाएं, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड लें वाटर में डिसॉल्व करें, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। आप बेटा बेरियम ऑक्साइड लें और उसे वाटर में ड्रॉप करें तो वाटर में ड्रॉप होने पर वो बेरियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देता है, और ये नीचे जाते हुए सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम ने तो कोई सॉल्युबिलिटी शो नहीं की थी क्योंकि इनका लैटिस स्ट्रॉन्ग था, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम ने सॉल्युबिलिटी शो की है, हाइड्रोक्साइड्स बनाए हैं और नीचे जाते हुए उनकी सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या हुई है, इंक्रीज हुई है।
और इसमें अगर आप बात याद रखें तो मैं अगर इन्हें रिलेशन में देख लूँ तो बेटा ये है ब्रिलियम ऑक्साइड, इसके बाद सेकंड आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर आ गया कैल्शियम ऑक्साइड, फिर आ गया आपके पास बेरियम ऑक्साइड, फिर आपके पास स्ट्रॉन्शियम, मैंने लिखा नहीं है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और फिर बेरियम। स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड और फिर बेरियम ऑक्साइड। अब ब्रिलियम ऑक्साइड जो है इसके बारे में बेटा याद रखें कि ये ब्रिलियम ऑक्साइड जो है ये आपके पास होता है एम्फोटेरिक। ठीक है, लेकिन अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड से लेकर बेरियम ऑक्साइड तक जाएंगे तो ये आपके पास हैं बेसिक ऑक्साइड्स। और दूसरी बात ये है कि मैग्नीशियम से लेकर बेरियम की तरफ जाते हुए इनका बेसिक करैक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। बेसिक करैक्टर क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। कि जब आप मूव करेंगे, ब्रिलियम ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक था, आप आ गए मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम की तरफ, तो नीचे जाते हुए जब आपने देखा तो इनके बेसिक करैक्टर पहले से क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटा जी एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस क्या होता है वो पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कहते हैं जस्टिफाई बाय रिएक्शंस दैट ब्रिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। कि आपने रिएक्शंस की मदद से जस्टिफाई करना है तो जो ब्रिलियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो बेटा ये आप लिखेंगे ऐसे कि ये जो ब्रिलियम ऑक्साइड है इसे अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिडिक सॉल्यूशन में फॉल करें तो ब्रिलियम ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करता है। अब देखें एसिड और बेस का रिएक्शन, HCl एसिड है, ब्रिलियम ऑक्साइड क्या है यहाँ पर एज अ बेस एक्ट कर रहा है। अब HCl का काम क्या है, प्रोटॉन देना, बेस का काम है ऑक्सीजन देना। तो वाटर बनाने के लिए हमें कम अज कम 2H और एक ऑक्सीजन चाहिए, तो इनके मिलने से एक वाटर प्रोड्यूस होगा, बाकी ब्रिलियम मेटल और दो क्लोरीन बच गई तो ब्रिलियम डाइक्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह मेरा बेटा अगर आप ब्रिलियम ऑक्साइड लें और इससे स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें आप, बेस के साथ रिएक्ट करवाएं और दी एसिड के तौर पर एक्ट कर जाएगा। अब हमें पता है एसिड और बेस का रिएक्शन का रिजल्ट जो है वो साल्ट और वाटर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा कि साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अब वाटर बनाने के लिए बेस के कम से कम हमें कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं, 2। तो यहाँ से 2H और एक ऑक्सीजन मिलकर आपके पास 2H2O प्रोड्यूस कर देंगे। बाकी अगर आप देखें तो बेटा सोडियम मेटल आपके पास बच गई 2, ब्रिलियम मेटल आपके पास बच गई 1 और ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर बच गए 2। और ये हमारे पास साल्ट बना है जिसे कहते हैं सोडियम ब्राइलेट। ये जो साल्ट बना है इसको नेम दिया जाता है सोडियम आपके पास ब्राइलेट। तो ये दोनों आपके पास क्या प्रोड्यूस हो गए मेरा बेटा, साल्ट प्रोड्यूस हो गए। अब अगर आप इस रिएक्शन को बेटा देखेंगे तो इस रिएक्शन में ये बात क्लियर हो रही है कि HCl के साथ ब्रिलियम ऑक्साइड एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है
आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स सो इट इज, आप कह लें प्रूव्ड दैट ब्रिलियम ऑक्साइड इज ए एम्फोटेरिक इन नेचर, कि जो ब्रिलियम ऑक्साइड है वो बेटा कौन सा करेक्टर रखता है, वो एम्फोटेरिक करेक्टर रखता है। मुझे बताएं बेटा ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है? जी बेटा ठीक ठीक हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास कि इसके जो ब्रिलियम आपके पास मेटल हमने देख ली, अब ब्रिलियम के बाद अगर हम बात करें बेटा तो हम बात कर सकते हैं किसकी, हम बात कर सकते हैं बेरियम की। तो जो बेरियम मेटल है इसके बारे में भी आपने याद रखना है कि बेरियम मेटल जो है वो सेकेंड ए ग्रुप में और स्ट्रॉन्शियम, ये ऐसी मेटल्स हैं जो रिएक्ट करने पर हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस कर, यानी इसमें जो डी पार्ट डिस्कस किया जाता है बेसिकली, जिसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो वो है हमारे पास पारऑक्साइड्स। परऑक्साइड्स के बारे में आपने बात याद रखनी है कि जो हैवियर मेटल्स हैं स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ये रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। और प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोड्यूस जिसे हम कहते हैं परऑक्साइड्स। तो सेकेंड ए ग्रुप में जो बात की जाती है वो स्ट्रॉन्शियम और बेरियम की बात की जाती है। अगर आप ज़्यादा डिटेल से बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बेरियम की बात की जाती है कि जो रिएक्शन पर क्या प्रोड्यूस कर देता है परऑक्साइड। मसलन आपने बेरियम मेटल को लिया, आपने ऑक्सीजन की सप्लाई ली एक्सेस में, आपने इसे हीट किया, तो हीटिंग का रिजल्ट क्या होगा, बेरियम पर ऑक्साइड आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा। ये आपके पास क्या बना है, ये प्रोड्यूस हुआ है पर ऑक्साइड। अब अगर पर ऑक्साइड की आप बात करें तो पर ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन, यानी आप ले लें बेटा जी बेरियम पर ऑक्साइड को, आप इसे ड्रॉप करें वाटर के अंदर, तो बेरियम पर ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व होकर क्या चीज़ प्रोड्यूस कर देनी चाहिए, इन्हें बेसिकली प्रोड्यूस कर देना चाहिए आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज़ तो ये कंफर्म होगी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ H2O2 भी प्रोड्यूस होगा। हाँ, अब आप अगर रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो मैं अगर वाटर के साथ यहाँ 2 लगा दूँ तो मुझे बताएं क्या रिएक्शन बैलेंस है? तो बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास आप लें बेरियम पर ऑक्साइड को और इसे आप एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, सपोज H2SO4 है, इसके साथ रिएक्ट करवा दें, तो इस रिएक्शन का बेटा रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, कि इसका जो हमारे पास रिजल्ट आता है बेटा, रिजल्ट के तौर पर बनता है बेरियम सल्फेट, और साथ आपके पास जो है वो H2O2 प्रोड्यूस हो जाता है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक हो गया, ये बात मेरा बेटा आप लोगों को क्लियर हुई? जी बेटा।
हाँ जी, अब देखें पहले ना मैं ये बात थोड़ी सी ना आपको रिपीट कर देता हूँ कि अभी मैंने बातें पढ़ाई क्या है, फिर मैं आगे लेकर चलता हूँ उसे आगे वाली बात। मैंने बड़ी सिंपल सी चीज़ से बेटा स्टार्ट किया है कि रिएक्शन ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहली जो मैंने बात की है कि अल्कली मेटल्स जो हैं जब उन्हें आप नॉर्मली ऑक्सीजन से हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। इनके ऑक्साइड्स बनाने का एक तरीका और है कि आप इनके कार्बोनेट को हीट करके डीकम्पोज करके उसे साल्ट बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना लें। आप मैग्नीशियम मेटल को बर्न करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। स्ट्रॉन्शियम को करें, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड बनेगा। फिर आप बेरियम को करें, बेरियम ऑक्साइड बनेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स की अगर आप बात करें ऑक्साइड्स की, तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, एक्सट्रीमली स्टेबल हैं क्योंकि इनका लैटिस स्ट्रांग होता है। ब्रिलियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का लैटिस इतना स्ट्रांग है कि वाटर में इनकी ब्रेक डाउन नहीं होती, ये वाटर सॉलोबल नहीं है। अलबत्ता कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम ऑक्साइड वाटर में गिर कर हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। डाउन द ग्रुप इनकी सॉलोबिलिटी बढ़ती है। साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप इनका बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है। कि नीचे जाते हुए इनकी सॉलोबिलिटी बढ़ेगी, हाइड्रोक्साइड की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ब्रिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, बाकी नीचे वाले सारे बेसिक हैं, और नीचे जाते हुए बेसिक करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब मैंने आपको बताया, शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है कि जस्टिफाई बाय रिएक्शंस दैट ब्रिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ब्रिलियम ऑक्साइड को आप HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो साल्ट और ब्रिलियम क्लोराइड बन जाएगा। आप इसी को बेस से रिएक्ट करवाएंगे, साल्ट और वाटर बनेगा, इस तरह साल्ट बनेगा सोडियम बिट्राइलेट। और इन दोनों चीज़ों से आपके पास जो चीज़ क्लियर होगी वो ये होगी कि बेरियम ऑक्साइड जो है वो सॉरी ब्रिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। पर ऑक्साइड्स में हमारी बुक में स्ट्रॉन्शियम और बेरियम दोनों लिखे हुए हैं, असल में आप बात कर सकते हैं बेरियम की, कि इन्हें जब आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, हीट में, हाई टेम्परेचर पर तो आपके पास ऑक्सीजन की एक्सेस रखते हैं तो बेरियम पर ऑक्साइड्स बनते हैं। पर ऑक्साइड्स का वाटर से रिएक्शन हाइड्रोक्साइड बनाना है, और वाटर बना वाटर की जगह पर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाना है। एसिड से रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। पहले बेटा मैंने आप लोगों को ये बात रिपीट कर दी है जो मैंने यहाँ तक आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। अब इसमें हम बड़ा सिंपल सा बेटा जी एक जो है वो प्रोसीजर जिस पे आ जाते हैं। जी बेटा सर, ये पॉलीमराइज़ेशन का क्या मतलब है? किसका प्रॉपर्टीज में चौथा पॉइंट है? पॉलीमेरिक का मतलब ये होता है कि वो पॉलीमर्स बनाते हैं। जो ब्रिलियम ऑक्साइड है इसमें ब्रिलियम और ऑक्सीजन की रेशो 1:1 है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ये पॉलीमेरिक ऑक्साइड है, यानी बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिलकर एक लार्ज इसका पॉलीमर कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? इसमें लिखा होगा ऑक्सीजन की टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन है, वो ब्रिलियम को आपके पास टेट्राहेड्रल ये ट्रैक कर रहा है, लिखा हुआ है ना ऐसा कुछ? लिखा। अब इसी तरह मेरा बेटा यहाँ पर फिर बात आती है, वो है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। कि हमने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करनी है, तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन में होता क्या है कि आप जब अल्कली मेटल्स को बर्न करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ तो आपके पास नाइट्राइड्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी आप लें किस चीज़ को, अल्कली मेटल को,
सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, और इसे आप रिएक्ट करें किसके साथ है? विद नाइट्रोजन। तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? नाइट्राइड्स आर प्रोड्यूस। अब इसमें जो बात याद रखने वाली है बेटा जी, जो मेटल है हमारी, मेटल होती है डाइवेलेंट। एम जो है वो हमारी मेटल है, वो डाइवेलेंट है। नाइट्रोजन जो है वो ट्राइवेलेंट है, किसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो मेटल बेसिकली बनाता है +2 आयन, नाइट्रोजन बेसिकली बनाता है -3 आयन। और ये दोनों आयन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो M3N2 का लैटिस डिवेलप होता है। यानी अब अगर आप इसे बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मेटल के साथ कितना अटैच करना पड़ेगा? 3। तब आपके पास जो है नाइट्राइड आयन्स कितने बनेंगे? 2। मेटल आयन्स कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। सपोज इस मेटल आयन्स की जगह पे आप ले लें बेटा जी, यहाँ पर सपोज ये कैल्शियम मेटल हमने ले ली, इसे नाइट्रोजन से आप हीट करेंगे तो आपके पास कैल्शियम +2 आयन्स बनेंगे 3 टाइम्स, नाइट्राइड आयन्स बनेंगे 2 टाइम्स, और वो मिलकर क्या बना देंगे? आपके पास कैल्शियम नाइट्राइड प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम ले लेते हैं तो वो मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसमें यह बात याद रखनी है, अगर आपने ले लिया इसकी जगह ब्रिलियम और इसको आपने नाइट्रोजन के साथ बर्न किया तो आपके पास बनेगा ब्रिलियम नाइट्राइड। ब्रिलियम नाइट्राइड के बारे में जो बात याद रखनी होती है कि ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल यानी बड़ी आसानी से ये क्या हो जाता है? वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो नॉन वोलाटाइल्स हैं। और इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इनमें से किसी भी नाइट्राइड को जब वाटर में ड्रॉप करते हैं तो अमोनिया गैस रिलीज होती है। सपोज आपने लिया कैल्शियम नाइट्राइड, आपने इसे ड्रॉप किया वाटर के अंदर, ठीक है, तो नाइट्रोजन पर चार्ज यहाँ पर कितना है बेटा? आपके पास है -3। एक नाइट्रोजन को 3 प्रोटॉन। सर आपने अटेंडेंस ले ली? बस अभी लेने लगे, दूसरे क्लास का टाइम हो गया सर। एक मिनट मेरा पुत्र, बस आखिरी रिएक्शन है। ये आपस में रिएक्ट करेंगे, नाइट्राइड आयन्स यहाँ पर 2-6 प्रोटॉन एक्सेप्ट करके 2 यूनिट अमोनिया के प्रोड्यूस कर देंगे और 7 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके 3 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। यानी अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। चलिए आपकी पहले मैं अटेंडेंस सेव कर लूँ तो फिर उसके बाद आप लोग लीड कर सकते। एक मिनट दीजिएगा बस। ठीक है बेटा जी, अभी आप लोग लीव कर सकते हैं।